राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति माहेश्वरी। और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमने बिल्कुल जीरो साइज के बिल्कुल छोटे से लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही क्यूट सी जो है कलर कंट्रास्ट के अंदर ये ड्रेस बनाकर कंप्लीट करी है हार्ट शेप के अंदर। और ये बिल्कुल छोटे से लड्डू गोपाल की है। कई बार ये डिमांड आती है कि मैम जीरो साइज में बिल्कुल छोटे साइज में जो है बहुत ही खूबसूरत से डिजाइन कैसे बनाए, प्लीज इस तरह की वीडियोस भी अपलोड करें। तो आज जो है मैंने बिल्कुल स्मॉल साइज के लड्डू गोपाल की जो है ड्रेस बनाकर आज की वीडियो में दिखाई है। और पूरी वीडियो जरूर देखना तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही आसान है इस ड्रेस को बनाना। और यहाँ पर जो है सिर्फ हम हार्ट बनाकर कंप्लीट करेंगे आज के ड्रेस में, क्योंकि चोली का बॉर्डर कैसे बनाना है, ये घेरा कैसे बनाना है, इन तीनों चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से देखकर आप ये तीनों चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। और इस ड्रेस को यहाँ पर मैंने छोटे साइज की बनाकर दिखाया है। बाकी आप इस ड्रेस को बड़े साइज के लड्डू गोपाल के लिए भी बहुत ही आसानी से बनाकर जो है कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी छोटे लड्डू गोपाल के लिए कई बार दिक्कत आती है डिफरेंट और खूबसूरत डिजाइन बनाने के लिए, तो यहाँ पर जो है कुछ डिजाइन में आपके साथ बिल्कुल स्मॉल साइज के अंदर जो है शेयर करने वाली हूँ। तो जो है वीडियो को पूरा जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर किया करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस और डिजाइन जो है कैसी लगती हैं। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और इंटरेस्टिंग और खूबसूरत डिजाइन देखने के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें लड्डू गोपाल की इस ड्रेस को जो है कैसे बनाकर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि आपको जो है चोली का और घेरे का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल घेरा है, इसकी मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड करी हुई है, तो वहां से देखकर जो है आप इस घेरे को बनाकर कंप्लीट कर ले। और ये घेरा जो है आप कितना भी छोटा, जैसे ये जीरो साइज की ड्रेस है तो मैंने इसके अंदर जो है इसको बनाते हुए यहाँ पर 1 2 3 4 5 लाइनें ही जो है सिर्फ इसकी बढ़ाते हुए बनाई है। बाकी आप इसको चाहे तो कितने भी बड़े लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हैं, बनाने का तरीका सेम ही रहेगा। और ये जो ड्रेस हम बना रहे हैं ये हम बना रहे हैं जीरो साइज की। तो यहाँ पर देखिए, आप देख भी पा रहे होंगे चोली कितनी छोटी सी है, ये बिल्कुल जीरो साइज के लड्डू गोपाल की है। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और घेरे का भी। तो ये दोनों चीजें जो है आप वहां से बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि हमने जो है इसके अंदर ये जो हार्ट बनाए हैं ये कैसे बनाकर कंप्लीट करे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हमारा हार्ट बनकर कंप्लीट होगा तो यहाँ पर जो है आपको अपना कलर चेंज करना होगा वूल का। और आप चाहें तो इस ड्रेस को जो है यहाँ पर कॉटन थ्रेड से भी बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं समर के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपना व्हाइट कलर यहाँ पर इस तरह से चेंज करूंगी। और ये आपको भी आगे की तरफ पता चल जाएगा जब हम बनाएंगे कि आपको कहाँ पर धागा चेंज करना है और कैसे बनाना है। तो यहाँ पर जब आपका ये जो है वर्क कंप्लीट हो जाए घेरे वाला, जितना भी बड़ा आपको घेरा बनाना है, तो वहां तक बनाने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, जब आप घेरा कंप्लीट करेंगे तो ये जो हमारी डबल क्रोशिया है धागे को लेंगे और इसकी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और ये डबल क्रोशिया हमें 5 बार बनाना है। तो एक चेन के अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाया और अब दूसरी चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 2 हो गए। और इसके बाद थर्ड चेन के अंदर हम अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर फोर्थ चेन के अंदर, और ये फिर हम बनाएंगे अपना फिफ्थ चेन के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 चेन के अंदर हमने जो है इस तरह से डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट किया है। और 6 चेन के अंदर से जो है हम अपना ये वर्क जो है स्टार्ट करेंगे हार्ट बनाने का। तो हम धागे को लेंगे और जो हमारी देखिए 6 चेन है, यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो तीन, यहाँ पर देखिए 3 चेन है, तीनों में से एक साथ निकाल देंगे तो इसको हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। ये एक बार बनाया, फिर देखिए, फिर ये 3 चेन है, तीनों में से निकाल देंगे। ये आपको जो है 2 बार बनाने हैं। और इसके बाद 2 बार बनाने के बाद 1 2 3 3 की चेन लेंगे। और ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है ये वाला, इसकी जो साइड की चेन है ये देखिए, ये डबल क्रोशिया है, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया है। और इसकी साइड में से, ऊपर से नहीं लेंगे, साइड में से इस चेन को इस तरह से पिक करेंगे और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस ट्रिपल क्रोशिया के लिए देखिए, धागे को हम 1 2 2 बार लेंगे और साइड में से इस तरह से धागे को निकालते हुए 1 2 3 3 बार जो है हमारा धागा निकलेगा, इसको ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। ये हमें 2 बार बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो हमने यहाँ पर 3 की चेन ली थी, एक बार हमने बनाया, अब एक बार और हम बनाएंगे,
फिर जो है हम इसको साइड से पिक करेंगे चेन को और यहाँ पर एक दो तीन इस तरह से बनाया। उसके बाद दो बार जो है हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो धागे को लेंगे और यही साइड में से चेन को निकालते हुए, ये दो बार धागे को निकाला तो ये डबल क्रोशिया कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए धागे को लेंगे और यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है इस चेन के अंदर हमने तीन बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया और दो बार हमने बनाया डबल क्रोशिया और उसके बाद लास्ट में हम एक बार दोबारा से यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो धागे को लेंगे और यहीं पर से निकालते हुए हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर जो हमने ये देखिए जहाँ पर हमने ये बनाया है यहीं पर नीचे की तरफ से ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया की चेन को पिक किया था वहीं नीचे से जो है इस तरह से क्रोशिया को निकालेंगे और दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया और उसके बाद दो बार बनाया और इसको बनाने के बाद ये जो हमारी आपको यहाँ पर साइड की चेन नज़र आ रही होगी ये देखिए हमने यहाँ पर पांच बार डबल क्रोशिया बनाया था, एक दो तीन चार पाँच, ये जो हमारी साइड की चेन है ये है हमारी जो हमने फर्स्ट वाला हाफ डबल क्रोशिया बनाया था वो। तो इसको अब हम साइड से पिक करेंगे, यहाँ पर देखिए साइड से हम इस चेन को पिक करेंगे और इस तरह से यहाँ पर निकालेंगे, ये तीन है तीनों में से एक साथ निकाल देंगे, इसको हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। और उसके बाद जो है एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब दो बार हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया दो बार बनाया और उसके बाद ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे तीन बार। तो धागे को देखिए फिर हमने दो बार लिया है और यहाँ पर से निकालते हुए एक दो तीन, एक बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर ये दूसरी बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया और तीसरा ट्रिपल क्रोशिया जो है हम यहाँ पर एक दो तीन की चेन लेंगे। और जब आप देखेंगे तो ये देखिए हमारी हर्ट की शेप जो है इस तरह से बनकर कंप्लीट हो जाएगी। और तीन की चेन लेने के बाद अब ऊपर की तरफ यहाँ पर स्लिम स्टिच से कनेक्ट करते हुए जो है हम इसको कनेक्ट करेंगे अपने ट्रिपल क्रोशिये को। तो ये जो है हमारा इस तरह से देखिए ड्रेस के अंदर हार्ट बन जाएगा। और यहाँ पर जो है हम अपना फिर से अपना कलर जो है चेंज करेंगे, जैसा मैंने आपको कहा था कि हार्ट बनाने के बाद आपको अपना कलर चेंज करना है। तो यहाँ पर कलर चेंज करने के बाद वापस हमें सेम इसी तरह से बनाना है, धागे को लेंगे और फिर हम जो है पांच चेन के अंदर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर एक दो तीन चार पांच, तो यहाँ पर देखिए पांच चेन के अंदर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिक्स चेन के अंदर जो है हम दोबारा से धागे को लेंगे और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे दो बार। एक बार बनाया फिर धागे को लेंगे और यहाँ पर दूसरी बार जो है हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर एक दो तीन, तीन की चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम धागे को दो बार लेंगे और ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है इसको साइड में से इस तरह से पिक करते हुए जो है ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे दो बार। तो एक बार निकाला दो बार निकाला तीन बार निकाला, ट्रिपल क्रोशिये में से हमारा धागा तीन बार निकलता है। तो यहाँ पर देखिए धागे को फिर दो बार लेंगे और फिर दूसरा वाला अपना ट्रिपल क्रोशिया बनाकर इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक हमारी तीन की चेन थी ये वाली और ये दो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाए। इस सीरीज को बस आपको याद रखना है और तीन बार ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद धागे को लेंगे और फिर साइड में से लेते हुए दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया दो बार बनाया। और इसको बनाने के बाद यहाँ पे लास्ट में दोबारा से हम एक बार जो है इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये बनाने के बाद धागे को लेंगे और यहाँ पर जहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है वहाँ चेन में से देखिए बीच में से यहाँ पर ये जो हमारी दो चेन है हाफ डबल क्रोशिया की सेंटर में से इस तरह से धागे को निकालेंगे और यहाँ पर भी हम दो बार जो है इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया दो बार बनाया। इसको बनाने के बाद धागे को लेंगे और ये जो हमारी साइड में चेन होती है ये जो हाफ डबल क्रोशिये की चेन आएगी आपको नजर आएगी जब आप बनाएंगे, तो यहां पर से सेंटर में से बनाने के बाद साइड में से इस चेन को पिक करेंगे और एक बार यहां पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और धागे को लेंगे और दो बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक बार बनाया
दो बार बनाया और उसके बाद तीन बार हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, फिर धागे को दो बार लेंगे और यहीं पर इस तरह से एक दो तीन, तीन बार निकालते हुए ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो की चेन लें, दो बार इस तरह से धागे को लेंगे और यहाँ पर एक दो तीन, तीन बार निकालते हुए डबल, ये जो है ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसको बनाते ही देखिए आपको यहाँ पर हर्ट की ये शेप नज़र आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद एक दो तीन, लास्ट वाला ट्रिपल क्रोशिया हम तीन की चेन बनाकर सेंटर में जो है स्लिम स्टिच से कनेक्ट करते हुए बनाएंगे। यहाँ पर देखिए पूरी ड्रेस के अंदर आपको इसी तरह से जो है छोटे छोटे से हर्ट बनाकर इस ड्रेस को बनाकर जो है कंप्लीट करना है। और यहाँ पर हमने अपनी ड्रेस के अंदर बॉर्डर भी बनाकर कंप्लीट कर दिया है, बॉर्डर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको बनाना सीख सकते हैं। और अगर आपको लगे कि आपके हर्ट के अंदर गैप ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पर आप पांच चेन की जगह चार चेन भी ले सकते हैं उस गैप को जो है कम करने के लिए, क्योंकि ये हाथ पर भी डिपेंड होता है, किसी का हाथ टाइट चलता है, किसी का जो है लूज चलता है, तो उसके हिसाब से जो है कई बार फर्क आ जाता है। तो यहाँ पर आप चार चेन भी लेकर फिफ्थ चेन के अंदर हर्ट बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारी खूबसूरत सी छोटी सी लड्डू गोपाल की बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस बनकर कंप्लीट हो चुकी है। और इसके साथ में जो है मैंने ये जो है बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी कैप बनाकर जो है कंप्लीट करी है। और ये कैप भी मैंने आपको अपनी पिछली कई वीडियोस में दिखाई हुई है कि आपको छोटे से बड़े साइज में जो है इस हैट को, इस कैप को कैसे बनाकर कंप्लीट करना है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से देखकर आप ये कैप बना सकते हैं। आपको लड्डू गोपाल की ये छोटी सी हर्ट शेप के अंदर ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, और जिस जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस और डिजाइन देखने के लिए। तो मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।